अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो मैं मानता हूं ये मेरी हार है और हमने पूरी कोशिश की कि राज्य की जनता ने जो जनादेश दी थी उस जनादेश का सम्मान करते हुए विकास पहुंचाने का। इसलिए जो भी मैं पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से आगे आऊंगा निश्चित रहिए पूर्वी विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्या चमत्कार होने का उम्मीद है? कोई चमत्कार होने का उम्मीद नहीं है। जो क्षेत्र के जो ब्लॉक खुलते हैं तो उस आधार पर अभी काफी चार थाना क्षेत्र के क्योंकि अभी तक 1,73,000 पोल हुए हैं और अभी तक लगभग 70,000 की गिनती हुई है, इसलिए 1,00,000 का गिनती अभी बाकी है। इसलिए विभिन्न क्षेत्र में इस तरह के चल रहे हैं, लेकिन जो भी अभी तक रुझान आया मैं उसका स्वागत करता हूं और मैं फिर आप सबसे मिलूंगा। सर उम्मीद है सरकार बनाने का, उम्मीद है सर सरकार बनाने का। कमी कैसे रहे? आप 65 बार आपका दावा था कि 65 बार जाएंगे, बहुत कम हो गए। देखो लक्ष्य जिंदगी में हमेशा बड़ा रखना चाहिए, छोटा लक्ष्य नहीं रखना चाहिए और इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा बड़ा लक्ष्य लेकर काम करती है। उम्मीद है सर। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये घोषणा किए थे कि 50% वोट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत करें लाए और इस दिशा में हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात से चूक की पूरी विश्लेषण करने के बाद ही ये आपसे मैं फिर वार्ता करूंगा। सर उम्मीद है सर, सरकार बनाने का उम्मीद है सर? उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है, मुझे अभी भी उम्मीद है। सर इनका साथ मिल सकता है? नहीं, पूरी रुझान आने दीजिए, इसलिए अभी हाँ रिजल्ट आ जाने दीजिए, मैं फिर आपसे मिलूंगा। हमें क्या करना है तो लोकतंत्र में जो भी जनादेश मिलेगा भारतीय जनता पार्टी सहर्ष स्वीकार करेगी। लगभग कहा जा रहा है कार्यकर्ताओं से संवाद न होने के कारण है। धन्यवाद।